जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां रीसेंट टाइम की इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज की अपडेट आपकी आंखें खोल देगी। बहुत सारे लोग जो एआई को लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी जुबान बंद कर देगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि किस तरीके से एक 16 साल की लड़की ने एआई की मदद से 100 करोड़ का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया। जी हां, 100 करोड़ की वैल्यूएशन इनके बिजनेस की। कौन है ये लड़की, किस तरीके से इन्होंने ये फीट अचीव किया है, जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार कैसे 16 साल की एक लड़की ने 100 करोड़ का स्टार्टअप बना दिया, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। यहाँ पर दो तरह के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। पहला, जिन लोग को लगता है कि भैया एआई तो फ्यूचर की चीज़ है, अभी क्यों घबराना, और जिन लोग को लगता है कि भैया एआई अब आ गया है तो ह्यूमन इंटरफेरेंस वैसे भी कम होने वाला है, हमें परेशान होने की क्या जरूरत। तो देखिए, यहाँ पर ये थीम है जिसको आप देख सकते हैं, ह्यूमन आर्म आ रहा है, रोबोटिक आर्म आ रहा है, दोनों हाथ मिला रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कि आगे चलकर चीजें कैसे अनफोल्ड होने वाली हैं। अगर आपको एआई को लेवरेज करना है तो फिर कोलैबोरेट करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन माइंड का कोलैबोरेशन करना पड़ेगा एआई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके साथ आप 100 करोड़ तक का स्टार्टअप भी बना सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की का नाम क्या है और किस तरह का ये इनका स्टार्टअप है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है प्रांजलि अवस्थी। इंडिया से बिलोंग करती थी, फ्लोरिडा अमेरिका चली गई बहुत ही कम उम्र में। 16 साल की उम्र में एआई का स्टार्टअप बना लिया, जिसकी वैल्यूएशन आज 100 करोड़ रह रही है। लेकिन भाई, कमाल की बात है कि ये जो एआई का स्टार्टअप है, इसका नाम है Delve.ai, जो इन्होंने जनवरी 2022 के अंदर शुरू किया था। जनवरी 2022 के अंदर Delve.ai इन्होंने शुरू किया। अभी Delve का मतलब क्या होता है? Delve एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजी में कई बार हम कहते हैं कि Delve deeper into the subject, मतलब कि किसी सब्जेक्ट की गहराई में जरूर जाना। भाई इसका मतलब ये हुआ कि Delve का मतलब होता है किसी चीज की गहराई में जाना, उसको अंदर तक समझना। यहां पर इनके एआई जो स्टार्टअप है ना, उसका नाम जो है वो इसके काम से बिल्कुल मैच करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो मियामी टेक इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहां पर इन्होंने अनाउंस किया है, जो कि अमेरिका में हो रहा था, कि भैया 3.5 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग इन्होंने जुटा ली है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मात्र 16 साल की ये लड़की है, इस पर भरोसा कौन करेगा, कौन सा इन्वेस्टर इन पर मेहरबान होकर इतना पैसा दे देगा। तो कमाल की बात है कि 16 साल की जरूर है, लेकिन इनके अंदर 10 प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और इनकी जो वैल्यूएशन है स्टार्टअप की वो 100 करोड़ से ज्यादा, यानी कि $12 मिलियन से ज्यादा की है। अब आप सोचोगे कि भैया ऐसा कोई तो चमत्कारी ही चीज हो सकती है। ऐसी कोई चमत्कारी चीज नहीं है, बचपन से इंसान के अंदर जो भाव बैठ जाते हैं वही बड़े होकर दिखने लग जाते हैं। जी हाँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बताती है कि इनके फादर ने इनको इंस्पायर किया। जो इनके फादर थे ना, वो इंजीनियर थे। इंजीनियर होने की वजह से इन्होंने अपनी बेटी का भी जो इंटरेस्ट ना, वो भी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में लगवा दिया। 7 साल की उम्र में कोडिंग सीखने के लिए मजबूर किया। भाई बहुत सारे माँ बाप मजबूर ही करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों का तो मन नहीं करता कि कुछ नया सीखे, वो तो खेलने कूदने की उम्र होती है। लेकिन इनके फादर का जो विजन था वो आज यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है। उन्होंने सोचा कि भाई 7 साल की बच्ची को बचपन से ही कोडिंग सिखाएंगे तो बड़े होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे, और जिसका परिणाम रहा 100 करोड़ का स्टार्टअप। अब हम बात करते कि केवल इनकी 11 साल की उम्र थी जब ये चली गई थी फ्लोरिडा, और मैं आपको बता दूं कि तब से ही कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं इनके फादर की वजह से। कमाल की बात है कि इन्होंने ना इंटर्नशिप भी करी फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, मतलब कि स्कूल की पढ़ाई भी करती थी, हफ्ते में 20 घंटे ये अपनी इंटर्नशिप में देती थी। इंटर्नशिप कैसी थी? इंटर्नशिप ऐसी थी जहां पर एक रिसर्च लैब थी, जहां बताते हैं कि इन्होंने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया हुआ है। मतलब कि स्कूल के साथ साथ मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करना, इंटर्नशिप करना एक अलग ही चीज है। बहुत सारे लोग उस उम्र में सोचते हैं कि यार ये तो खेलने कूदने की उम्र है, आगे चलकर देखेंगे ना कि क्या होता है, क्रिएटिविटी के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या आई, इन्होंने बचपन से ही सोचा कि क्यों ना भाई यहां पर और ज्यादा सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ा जाए। और फिर बाद में जब ChatGPT की यहां पर इन्हें नॉलेज हुई, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया कि ChatGPT 3 का जो बेटा वर्जन था उसका इस्तेमाल करके यहां पर अपना एक AI बना लिया। उस AI का जो मकसद था वो था कि रिसर्चर्स की मदद की जाए डेटा एक्सट्रैक्शन में, मतलब कि ऑनलाइन बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, रिसर्चर्स को स्पेसिफिक डेटा अगर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इनका जो Delve.ai है
इसकी यहाँ मदद कर सकता है, उसकी मदद से बहुत सारे लोग ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मियामी में जो इवेंट हो रहा था वहाँ पर ल्यूसी और डेव नाम की दो लोगों ने इनकी काफी मदद करी है फंड्स को जुटाने में। वहां पर बताते हैं कि ये बाकेट कैपिटल से बिलोंग करते थे जिन्होंने इनकी हेल्प करी है, और इन्होंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट हंट में अपना dev.ai लॉन्च किया और बताया कि किस तरीके से ये मदद कर सकता है रिसर्चर्स की बेहतर रिसर्च करने में। एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मदद होगी वो बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगी, यानी कि ऑनलाइन कोई भी इन्फॉर्मेशन पड़ी है अभी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सर्फ करना पड़ रहा है। कई बार हमें अगर बिंग है या फिर ChatGPT है यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉम्प्ट्स भरने पड़ते हैं तब भी जाकर इन्फॉर्मेशन अच्छे से सटीक नहीं मिल पाती है। यहाँ dev.ai इस गैप को पाटने की कोशिश करेगा जो इनका यहाँ पर मकसद है। अगर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे करी है तो कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने अभी अपनी ड्रॉप कर रखी है, यानी कि नहीं कर रही हैं। बताया है कि पहले बिजनेस स्किल सीख लेंगी फिर बाद में स्कूल की आगे जो कि पढ़ाई होती कॉलेज की वो भी कंटिन्यू करना चाहती हैं। वैसे आई होप ये अच्छा प्लान है, पहले बिजनेस स्किल्स अच्छे से डेवलप कर लो फिर बाद में कॉलेज की डिग्री तो मिल ही जानी है। वैसे क्या लगता है आपको इनके इस पूरे एम्बिशन और इस पूरे AI के बारे में, बता सकते हैं कॉमेंट में। वीडियो पसंद आया, इंस्पिरेशन मिली तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए ताकि वो भी इंस्पायर हो। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए जहां बड़े बिजनेस इनसाइट्स और ऐसी ही अपडेट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।